दोस्तों इंडियन आर्मी के द्वारा डायरेक्ट भर्ती जारी की गई ये आपका रैली है। इस रैली में आप लोग को कैसे शामिल होना है, यहाँ पे हम इस वीडियो में बात करेंगे। कौन कौन से पोस्ट पे ये भर्ती आपकी जारी की गई है, आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए इस रैली में शामिल होने के लिए, कि आप किस स्टेट से हैं, आप इस रैली में शामिल हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, यहाँ पे जो डिटेल्स है इस वीडियो में हम बात करेंगे। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है जाबिर अंसारी और आप देख रहे हैं सरकारी नौकरी यूट्यूब चैनल। दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं इस फॉर्म के डिटेल के बारे में। सबसे पहले दोस्तों ये जो आपकी भर्ती जारी की गई है देख सकते हैं दोस्तों, इंडियन आर्मी के द्वारा ये भर्ती जारी की गई है जो एक डायरेक्ट रैली है। इसमें आपको दोस्तों कई प्रकार की पोस्ट मिल जाएगी, सोल्डर जनरल ड्यूटी एंड यहाँ पे सोल्डर ट्रेडमैन, टेक्निकल सोल्डर यहाँ पे, और सॉल नर्सिंग असिस्टेंट एंड यहाँ पे सॉल क्लर्क की यहाँ पे आपको पोस्ट मिल जाएगी। यहाँ पे हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट के बारे में। तो ये जो आपकी भर्ती है ऑनलाइन, पहले तो दोस्तों इस फॉर्म को अप्लाई करना है। अप्लाई करने का जो यहाँ पे डेट जारी किया गया है 22 फरवरी से इस फॉर्म को करना है अप्लाई, और इसका जो लास्ट डेट रहेगा 6 मार्च 2020 तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एंड दोस्तों यहाँ पे 7 मार्च 2020 को आपका एडमिट कार्ड अवेलेबल होगा। इसका जो रैली का डेट है यहाँ पे देखिए जारी किया गया है 20 अप्रैल 2020 से 29 अप्रैल 2020 तक ये रैली आपका चलेगा। दोस्तों आपको फॉर्म अप्लाई करना है, अप्लाई करने का वीडियो मैंने पहले से बनाया है, इसी आपको साइट पे जो वीडियो है वो मैंने अपलोड किया है हाउ टू अप्लाई, तो वहां पे दोस्तों आप क्लिक करके उस वीडियो को आप चेक कर सकते हैं। नहीं तो दोस्तों मैं जो वीडियो का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा कैसे आपको इस फॉर्म को अप्लाई करना है, जो कि इंडियन आर्मी का फॉर्म कैसे अप्लाई करते हैं। दोस्तों मैं नेक्स्ट वीडियो एक बनाने वाला हूं कि कैसे आप लोग ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे कि पहले से आप अगर अपना इंडियन आर्मी के लिए कोई भी रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं या फॉर्म अप्लाई कर चुके हैं, तो नेक्स्ट जो आप अप्लाई करेंगे तो आपको दोस्तों वहां पे वही बार बार सजेस्ट करता है कि आपने दोबारा से वो रजिस्ट्रेशन किया है, तो उसको आप कैसे डिलीट करेंगे इस पर मैं वीडियो जल्द से जल्द बना के अपलोड करने वाला हूँ। जिनको भी वो वीडियो देखना है वो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिएगा ताकि वीडियो जब आए तो आप मिस ना कर पाए। एंड दोस्तों यहां पे हम बात करते हैं एप्लीकेशन फी के बारे में। तो यहां पे जो आपको फी पेमेंट करना पड़ेगा जनरल ओबीसी एससी एसटी कैंडिडेट के लिए बिल्कुल फ्री है, यहां पे आप चाहे किसी भी कैटेगरी के हैं आपको फी पेमेंट नहीं करना है। एंड दोस्तों यहां पे जो आपकी एज ली जाएगी मिनिमम, यानी कि कम से कम जो आपकी उम्र होनी चाहिए 17.5 वर्ष और मैक्सिमम 23 वर्ष आपकी यहां पे एज रखी गई है। यहां पे दोस्तों टोटल जो पोस्ट यहां पे देखिए नॉट मेंशन की गई है, इसलिए नॉट मेंशन यहां पे की गई है कि इस रैली में बहुत सारे फॉर्म अप्लाई होंगे तो वहां पे उस रैली में बहुत से लोग शामिल होंगे, तो गाइस वहां पे एक लिमिट यहां पे नहीं रखा गया है कि आपको 100 ही पोस्ट सेलेक्ट करना है, इसलिए दोस्तों यहां पे नॉट मेंशन की गई है। वो अपने अकॉर्डिंग ज्यादा या कम को सेलेक्ट कर सकते हैं, इसलिए यहां पे नॉट मेंशन की गई है। दोस्तों यहां पे आपको जो पोस्ट मिलेगा 5 प्रकार की आपको पोस्ट यहां पे जारी की गई है। पहला जो पोस्ट है आपका सोल्डर जनरल ड्यूटी यानी कि सोल्डर जीडी, दूसरा आपका ट्रेडमैन है, तीसरा आपका टेक्निकल सोल्डर है और चौथा नर्स असिस्टेंट का, पांचवा आपका क्लर्क की यहां पे आपको पोस्ट मिल जाएगी। फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है, इस फॉर्म को दोस्तों ऑनलाइन अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए आपको इनके ऑफिशियल पेज पे जाना है, जो लिंक मैंने आपको दे रखा है आप लोग क्लिक करेंगे डायरेक्ट उस पेज पर जाएंगे और वहां पे जाके फॉर्म को अप्लाई करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी प्रोवाइड कर दिया है और फॉर्म अप्लाई करने का जो वीडियो है वो भी प्रोवाइड कर दिया है। यहाँ पे दोस्तों हम बात करते हैं कौन कौन कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मेल एंड फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं जो एड्रेस दी गई है वहीं के लोग ये फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, अगर कहीं के दोस्तों इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं और यहीं के लोग इस रैली में शामिल हो सकते हैं। दोस्तों यहां पे जो आपकी सैलरी होगी 21,700 से 69,100 रुपीस पर मंथ, दोस्तों यहां पे आपका सैलरी है। एंड दोस्तों जॉब लोकेशन और आपका रैली का जो एड्रेस है यहां पे देखिए मेंशन किया गया है, जॉब लोकेशन जो रहेगा जम्मू एंड कश्मीर रहेगा, आपका जो रैली का एड्रेस है एलजी रजौरी जम्मू एंड कश्मीर, ये है आपका एड्रेस जो कि आपको इस एड्रेस पे जाकर रैली में शामिल होना पड़ेगा। दोस्तों यहां पे हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में, आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए किसी भी पोस्ट में अगर आप शामिल होना चाहते हैं, तो उसके लिए क्वालिफिकेशन की जरूरत पड़ती है। तो यहां पे दोस्तों सोल्डर जनरल ड्यूटी के लिए जो भी कैंडिडेट इसमें शामिल होना चाहते हैं उनके पास 10वीं का क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। आपके 10वीं के क्वालिफिकेशन में 45% ओवरऑल में, यानी कि टोटल जो आपका परसेंटेज है 45% मिनिमम होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा आपका
कितना भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कम से कम में जो आपका परसेंटेज होनी चाहिए आपके हाई स्कूल में 45% होनी चाहिए और हर सब्जेक्ट में 33% हर सब्जेक्ट में अनिवार्य रूप से होनी चाहिए इस पोस्ट को सबमिट करने के लिए। उसी प्रकार दोस्तों जो भी कैंडिडेट ट्रेडमैन के लिए फॉर्म को अप्लाई करेंगे उनके पास 10वीं या ITI का क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। 10वीं का अगर क्वालिफिकेशन है तो इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे, नहीं तो 8वीं का क्वालिफिकेशन है तो उसके साथ दोस्तों 8वीं के साथ आपके पास हाउसकीपिंग या मेस कीपर का ये इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। शोल्डर क्लर्क के लिए जो भी फॉर्म को सबमिट करेंगे उनके पास इंटरमीडिएट का क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। आपका इंटरमीडिएट का जो क्वालिफिकेशन है किसी भी सब्जेक्ट से होनी चाहिए, जैसे मींस आपका आर्ट हो गया या साइंस हो गया या आर्ट साइंस हो गया या कॉमर्स हो गया, जिससे भी आपका है कोई प्रॉब्लम नहीं। आपके 12वीं के क्वालिफिकेशन में 60% मार्क्स अनिवार्य रूप से होने चाहिए, हर सब्जेक्ट में 50% होने चाहिए और दोस्तों यहाँ पे आपका जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए इंग्लिश, मैथ या अकाउंट, बुक कीपिंग, ये आपका 10वीं के क्वालिफिकेशन में ये सब्जेक्ट अनिवार्य रूप से होने चाहिए, 10वीं के क्वालिफिकेशन में 50% होनी चाहिए इस पोस्ट को सबमिट करने के लिए। फिजिकल डिटेल्स दोस्तों यहाँ पे जो आपकी ली जाएगी, हाइट के बारे में हम बात करते हैं तो यहाँ पे फॉर शोल्डर GD और शोल्डर ट्रेडमैन के लिए जो हाइट रखी गई है 163 यहाँ पे सेंटीमीटर आपकी हाइट रखी गई है और शोल्डर क्लर्क के लिए 162। दोस्तों नॉर्थ इंडियन जोन के लिए जो हाइट यहाँ पे रखी गई है 155 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए एंड दोस्तों आपके वजन जो होनी चाहिए मिनिमम 50 किलोग्राम आपका वजन होनी चाहिए। चेस्ट जो है दोस्तों 78+5 सेंटीमीटर एक्सपेंसेस यानी कि फुलाव के साथ आपका यहाँ पे चेस्ट लिया जाएगा। रनिंग जो होगा दोस्तों आपके फिजिकल में 1.6 किलोमीटर यानी कि 1600 मीटर आपको रनिंग करना है, 1600 जो मीटर आपको रनिंग करना है वो ग्रुप वाइज होगा दोस्तों। तो यहाँ पे जो भी कैंडिडेट 5 मिनट 30 सेकेंड में ये रनिंग पूरा करेंगे वो ग्रुप फर्स्ट में आएंगे और जो भी कैंडिडेट 5 मिनट 31 सेकेंड से 5 मिनट 45 सेकेंड में रनिंग पूरा करेंगे वो ग्रुप सेकेंड में आएंगे। 10 सिट अप्स लगाना है, 10 पुशअप्स आपको लगाना है। आपका जो सिलेक्शन प्रोसीड रहेगा दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, फिजिकल टेस्ट होगा तो आपका मेडिकल टेस्ट होगा, उसके बाद आपका रिटन एग्जाम होगा सिलेक्शन। दोस्तों आपको ऑफिशियल पेज पे जाके इस फॉर्म को अप्लाई करना है। इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे आप देख सकते हैं, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट में दोस्तों आपका 10वीं 12वीं और 10th का क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे यहाँ पे आप अपना क्वालिफिकेशन दे सकते हैं और यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट, अनमैरिड सर्टिफिकेट, एफिडेविट एंड आपका एक ID प्रूफ जो कि आधार कार्ड के रूप में आपका ID प्रूफ चाहिए इस फॉर्म को सबमिट करने के लिए। हाउ टू अप्लाई दोस्तों यहाँ पे आपको कैसे अप्लाई करना है, इंपॉर्टेंट लिंक आपको यहाँ पे देखिए बताई गई है, यहाँ पे आपको पूरा डिटेल्स में दिया गया है आपको कैसे अप्लाई करना है, कहाँ से अप्लाई करना है, जो भी डिटेल्स है यहाँ पे आपको पूरा मेंशन की गई है। तो गाइस यहाँ से आपको इस फॉर्म को कर लेना है अप्लाई और अप्लाई करने में अगर आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम होती है आप हमें कमेंट करके पूछ लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हम आपसे मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों दीजिए इजाजत गाइस, जय हिंद।